इसमें लोग बात करने वाले, आप किस तरह से विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं सेफ्टली जहाँ विदाउट एनी डाटा लूज है। आपका जो कि डाटा होता है वो लूज भी नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 को यूज कर पाएंगे जहाँ। तो क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आपको इंस्टॉल करना है, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्या मेथड है, किस तरह से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में बहुत ही आसानी से विंडोज 11 को रन कर सकते हैं, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है जहाँ पर। तो सिंपली आप फ्रीली फ्री ऑफ कॉस्ट इसे यूज कर सकते हैं जहाँ पर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है यह परमिशन देता है। तो बात करते हैं क्या चीज़ आपके रिक्वायरमेंट है जहाँ पर। तो सिंपली जो कि आपका सी ड्राइव होता है उसमें 9 GB फ्री स्पेस रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो कि आपका कंप्यूटर या फिर विंडोज है उसमें फ्री इंस्टॉल आपको विंडोज 10 देखने के लिए मिलता है, फिर विंडोज 10 का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तभी आप अपने पीसी में विंडोज 11 को अपग्रेड कर पाएंगे जी अपन। तो सिंपली यदि मान लीजिए आपका जो कि लैपटॉप है ऑलरेडी आप विंडोज 10 पर रन कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस चेक करने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और सिस्टम में चले जाना होगा, या फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मान लीजिए विंडोज देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वर्जन शो हो जाएगा और लाइसेंस भी शो हो जाएगा जी अपन। तो सिंपली आपको यहाँ पर यह सभी चेक कर लेना चाहिए। तो बात करते हैं क्या मेथड है सेफ्टली, किस तरह से आपने लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर। तो सिंपली इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज 11 को डाउनलोड करना होगा जहाँ पर। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पे आ जाना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा विंडोज 11 डाउनलोड कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट में ही आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों यह लीगल मेथड आप बहुत ही आसानी से फ्रीली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं विंडोज 11 को, यदि मान लीजिए आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं प्रीवियसली जहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए 3 मेथड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर क्रिएट मीडिया टूल या फिर मान लीजिए आपको एक अलग से ISO इमेज फाइल डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं बूटेबल पेनड्राइव बना करके, या फिर आप डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉलेशन असिस्टेंट के थ्रू, आपका इंस्टॉलेशन असिस्टेंट है इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा और सिंपली एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको इसी वेबसाइट में नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी, हेल्थ चेकर जहाँ पर। तो ये चेक करेगा आपका जो कि पीसी या फिर लैपटॉप है वह कंपेटिबल है इस वर्जन के लिए या फिर विंडोज 11 के लिए कंपेटिबल है या फिर नहीं है। यदि मान लीजिए कंपेटिबल है तो कुछ इस तरह से आपको सभी ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाएगा और कंपेटिबल है तो यह 3 स्टेप में आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा जहां पर। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप में यह चेक करेगा, दूसरा स्टेप में यहां पर कुछ टूल लोड करेगा, तीसरा स्टेप में विंडोज डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा जहां पर। तो सिंपली आपका यहां पर एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक हायर स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी आपका जो कि फास्टेस्ट स्पीड से डाउनलोड होगा जहां पर, अदरवाइज आपको यहां पर 1 hour 2 hour या फिर 3 hour ले सकता है जिसकी वजह से जो कि आपका कंप्यूटर होता है उसे प्लग इन करके रखना होगा। अदरवाइज यदि मान लीजिए डाउनलोड करते समय यहाँ पर आपका जो कि अपडेटिंग करते समय विंडोज बंद हो जाता है या फिर मान लीजिए आपका लैपटॉप बंद हो जाता है तो सिंपली आपका जो कि हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है, तो सिंपली आपको चार्जिंग में प्लग इन करके रखना होगा और सिंपली डाउनलोड पर लगा देना होगा और हाई स्पीड रहेगा तो बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से हो जाएगा जी अपन। तो यहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है डाउनलोडिंग में और डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको रीस्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर लेगा विंडोज 11 में, और विंडोज 11 में अपग्रेड करने के बाद विंडोज 11 के जितने भी फीचर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से जो कि टैब होता है कुछ इस तरह से मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए यह सभी टैब आपको देखने के लिए मिलते हैं, या फिर विंडोज 11 के जितने भी फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं वह सभी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज 10 वाले वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज 11 में जहाँ पर। तो यही मेथड आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जो कि विंडोज 11 डेवलपर चैनल या फिर मान लीजिए आप बीटा चैनल को यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी विंडोज 11 का, तो सिंपली यदि मान लीजिए आपको स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप मैनुअली ऑप्शन देखने के लिए मिलता है तो सिंपली आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग बटन देखने के लिए मिल जाएगा, तो सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे आपको विंडोज अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट प्रोग्राम कुछ इस तरह से सेटिंग यहाँ पर। तो सिंपली यदि मान लीजिए स्टेबल वर्जन आता है पब्लिकली रिलीज होता है तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं जहाँ पर। तो जो कि स्टेबल वर्जन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है तो बहुत ही आसानी से आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको इसे ऑन कर देना होगा और जो कि आपका कंप्यूटर हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड आपको देखने के लिए मिलता है, यदि मान लीजिए आप विंडोज 11 का डेवलपर चैनल या फिर मान लीजिए बीटा चैनल यूज कर रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर को डाउनग्रेड करना होगा विंडोज 10 में। विंडोज 10 में डाउनग्रेड जैसे करेंगे आपको पूरा बैकअप ले लेना होगा, अदरवाइज जो कि आपका मीडिया होता है वह लॉस हो जाएगा जी।
यहाँ पर बैकअप लेने के बाद डाउनग्रेड करके दोबारा से आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉलेशन असिस्टेंट के थ्रू। यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन असिस्टेंट के थ्रू यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं विंडोज 11, तो सिंपली आपका जो कि डाटा होता है वो लॉस नहीं होगा, आपको जैसा ही डाटा था वैसा ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद आप समझ गए क्या मेथड है, किस तरह से आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज 10 से विंडोज 11। कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टेबल वर्जन देखने के लिए मिल जाता है फ्रीली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।